ऑन पैसिव को लेकर, कहीं ना कहीं जो लाइफ स्टाइल है वो यहाँ पर चेंज होने वाला है। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑन पैसिव को लेकर। ऑन पैसिव को लेकर हमारे जितने भी फाउंडर मेंबर हैं वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े कन्फ्यूजन के घेरे में आ चुके हैं। आखिरकार ऑन पैसिव को लेकर क्या कन्फ्यूजन यहाँ पर हमारे फाउंडरों को दिखाई दे रहा है, ये सारी बातें आज की इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं। दोस्तों, आप सबको मालूम होगा ऑन पैसिव के अंदर जो यहाँ पर बताया जा रहा है और जो यहाँ पर ऑन पैसिव की अपडेट के अंदर हम सभी को यहाँ पर दिखाई देती है कि आखिरकार ऑन पैसिव एक ऐसा एआई सिस्टम है जहाँ पर जितने लोग हमारे ऑन पैसिव के अंदर फाउंडर मेंबर के रूप में बन चुके हैं उन सब का कहीं ना कहीं जो लाइफ स्टाइल है वो यहाँ पर चेंज होने वाला है। और यहाँ पर जो ऑन पैसिव के अंदर बड़े बड़े सपने हमारे सभी फाउंडर मेंबरों ने यहाँ पर देखे हैं, क्या वाकई में वो यहाँ पर ऑन पैसिव के थ्रू पूरे हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, क्या हमारा सपना सपना ही बन के रह जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को लेकर जो कन्फ्यूजन यहाँ पर बन रहा है उन चीज़ों को जानना समझना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम बात करेंगे जो डायरेक्ट टीम वाले हैं और जो जीरो टीम वाले हैं उनके बीच के अंदर का जो कमीशन है वो कितना डिफरेंट यहाँ पर होने वाला है। यहाँ पर बताया जा रहा है जिनकी डायरेक्ट टीम है उनको ज़्यादा कमीशन दिया जाएगा और जो जीरो टीम वाले हैं क्या उनको जीरो पैसा या जीरो कमीशन यहाँ पर दिया जाएगा, ये बात जो है उनके अंदर ही अंदर मन में दौड़ रही है। तो दोस्तों, हालांकि ऐसा नहीं है, कमीशन में थोड़ा बहुत डिफरेंट हो सकता है, यानी किसी को ज़्यादा मिलेगा किसी को कम मिल सकता है, यानी जिन्होंने डायरेक्ट टीम के अंदर अपनी मेहनत की है उनको थोड़ा ज़्यादा मिल सकता है और जो जीरो टीम वाले हैं उनको थोड़ा यहाँ पर कम मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर जो कन्फ्यूजन है ये सभी जितने भी जीरो टीम वाले जो हमारे ऑन पैसिव के फाउंडर मेंबर हैं उनके मन में कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा ये सवाल जो है दोस्तों यहाँ बन चुका है और इस सवाल का जो जवाब है वो अभी तक यहाँ पर नहीं आया है। लेकिन बताया जा रहा है कि यहाँ पर जितने भी हमारे इंडियंस जो टॉप लीडर हैं वो इस बात को लेकर कंपनी के जो सीईओ हैं उनके पास पहुँचाई जाएगी और वहाँ से कहीं ना कहीं ये सारी बातें क्लियर होगी कि यहाँ पर डायरेक्ट टीम वालों को कितना कमीशन दिया जाएगा और जीरो टीम वालों को यहाँ पर कितना कमीशन दिया जाएगा, यहाँ पर जो बीच का अंतर है वो क्या होने वाला है, ये थोड़ा सा हमें वेट एंड वॉच करने की ज़रूरत है। लेकिन जहाँ तक हमारा मानना है, जहाँ तक हमारी समझ में आ रहा है, हालांकि ऐसा नहीं होगा, जीरो टीम वालों को भी यहाँ पर कमीशन दिया जाएगा और डायरेक्ट टीम वालों को भी कमीशन दिया जाएगा, क्योंकि जो कंपनी का जो रूल्स है जो यहाँ पर कंपनी का जो नियम है वो ये बताता है कि जो भी हमारी एआई कंपनी के अंदर या ऑन पैसिव कंपनी के अंदर जिन्होंने फाउंडरशिप की जो मेंबरशिप ली है या जो लोग फाउंडर बने हैं उन सबको यहाँ पर समान रूप से यहाँ पर जो कमीशन है वो दिया जाएगा। फाउंडर का मतलब ही दोस्तों आप समझ सकते हैं कि अलग सिस्टम होता है फाउंडर का, ऐसा नहीं है कि हम केवल नाम मात्र के ही ऑन पैसिव के अंदर फाउंडर बने हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जिन्होंने ऑन पैसिव के अंदर अपनी डायरेक्ट टीम को यहाँ पर बनाया है या जिन लोगों ने अच्छी खासी टीम बनाने में यहाँ पर मेहनत की है, तो ऐसा नहीं है कि जो जीरो टीम वाले मेंबर हैं फाउंडर हैं उनको यहाँ पर कुछ नहीं दिया जाएगा। थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट टीम वालों को भी मिलेगा और जीरो टीम वाले को भी मिलेगा। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो चैनल को लाइक कर लेना और इस प्रकार की अपडेट आप और पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना जिससे जो भी वीडियो आती है उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।